देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन। बैयर उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कुछ दिनों से बच्चों के नाश्ते हेतु कैंटीन प्रारंभ की गई है। बता दें कि शिक्षा परिसर में कैंटीन ये बैयर में पहला प्रोग्राम कहा जा सकता है, जिसमें बच्चों के नाश्ते हेतु अच्छा तेल और खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई में का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त बच्चों को आरु का साफ पानी पिलाया जा रहा है। इसके साथ ही मात्र 5 रुपए में समोसा दिया जा रहा है। इस संबंध में बैयर उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य चौरे ने बताया कि हम कैंटीन अनुबंध के आधार पर दिए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को साफ सफाई के साथ और कम रेट में नाश्ता दे सकें, क्योंकि बच्चे बाजारों में नाश्ता करने जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि शिक्षा परिसर में ही उन्हें हर आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य चौरे ने कहा कि हमारे द्वारा स्कूल में LED पीने के पानी की व्यवस्था, क्लासरूम में रंग रोगन बच्चों के बैठने की व्यवस्था को लेकर कुछ अतिरिक्त और बड़े ऑफिस रूम निर्माण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अभी उत्कृष्ट विद्यालय बैयर में कॉमर्स की नई बैच प्रारंभ की गई है। भविष्य में स्कूल के लिए और भी अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। आपके द्वारा उत्कृष्ट बालक विद्यालय में जो अभी कैंटीन चालू की गई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि किस तरह का आप उन्हें नाश्ता दे रहे हैं। उसका का ध्यान रखते हैं और अच्छी क्वालिटी का मतलब सामान रखते हैं और बच्चों को पानी भी आप कहीं वाला पिलाते हैं। ये आपकी कैंटीन कितने बजे खुलती है? सुबह 7 से टाइम है, 7 से 7 तक, और शाम को 7 बजे तक रहता है। फिर बच्चे वो स्पोर्ट वाले आते हैं, खेलने वाले आते हैं, तो उनके लिए भी तरह तुरंत तैयार करते हैं नाश्ता बोलने का। जी, आपका एक जो समोसा अगर बात करें, समोसा का क्या रेट? 5 रुपए। तेल वगैरह अच्छा यूज कर रहे हैं? तेल अच्छा।